बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा और सुना जा रहा है उन सब की खिदमत में असल वरम्हि वबरकू जे टी आर मीडिया हाउस का सिलसिला दरसे कुरान का प्रोग्राम यान्नास के साथ हाज़िर हैं इस प्रोग्राम में कुरान पाक के मंतब आयात का तर्जुमा तफसर तशरी अहकाम और इससे अक्स होने वाले पैगाम पर गुफग की जाती है आज हमारा मौजू है कुरान पाक के सरकमान की आयत नंबर तैंतीस इनकी तिलावत तर्जुह तशरी तफसर अहकाम और इससे हासिल होने वाले पैगाम पर गुफु करेंगे हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुफ्ती तारिक मसूर साहब किसी तारुफ़ के महताज नहीं है जामयत और रशीद के उताद हैं सीनियर मुफ्ती हैं और दुनिया भर के दुनिया भर में इनके लेक्चर बड़े षोक़ से सुने जाते हैं अल्लामिक वरम वालिकमल वरहम कैसे मफ्ती साहब अलहमद मुफ्ती साहब सबसे पहले तो ये जो आयती इसकी तिलावत तर्जुमा और मख्तसर सी तशरीबियाँ बसमिल्लामसाथी व्यज़र थाराम तकसिबदा वमा तदरी नबस अर तम आलिमी मैं इसका तर्जमा कर देता हूँ सूर्र की आखिरी आयात हैं बेशक अल्लाह ताल के पास क़्यामत का इम है वही बारिश बरसाता है वही जानता है कि मां के पेट में क्या है यानी लड़का है लड़की है <गणत्ति> व मा तदरी नफ्स मादा तकसीब वदा किसी नफ्स को ख़बर नहीं है कि कल उसने क्या करना है किसी इंसान को ख़बर नहीं है <गणति> व मा तदरी नफ्स भी आई अर्दिन तमोत किसी नफ्स को ख़बर नहीं है कि किस ज़मीन में उसकी मौत वाकई होगी इन अल्लाहन ख़बीर बेशक अल्लाह जानने वाला और बाखबर है तो ये तो इन आयात का हो गया। जी तर्जुमा हुआ इसकी मुख्तर सी तशरी तफसीर इसमें क्या किन पाँच चीज़ों को बयान किया गया देखिए इसमें इंसान की बेबसी कसम पुरसी को बयान किया गया है और मुशरकिन अक्सर जब भी रसूल सल्हु वसलम ये दावा करते थे ना कि एक दिन आने वाला है हिसाब व किताब का दिन होगा जिस दिन तुम्हें अल्लाह के सामने हाज़िर होना है तो फ़ौर उनका सवाल होता था कि वो कब होगा वो दिन कब होगा क्योंकि जब आप कोई दावा करते हैं ना उसकी डिटेल ना बताएं तो दुनिया का एक निज़ाम है कि उस दावे को फिर मशकूक समझा जाता है जैसे आपने अदालत में केस किया और कहा कि फ़लाँ शख्स ने मेरे पैसे चोरी किए जी अदालत का पहला सवाल होगा भाई कब चोरी किए कहाँ चोरी किए ठीक है ना और ये पूरी तफसील आपको बतानी पड़ेगी आप अगर ये कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं है कि कब चोरी किए आपका दावा इससे दुनिया का कानून मशकूक हो जाता है तो यह कैसे उस दावे को कबूल किया जाएगा बाजफा गवाह जब कोई किसी बात की गवाही देते हैं तो गवाहों से अलग अलग तफसील पूछी जाती है कितने पैसे चोरी किए थे एक गवाह कह रहे जी बीस हजार दूसरा कह रहे जी दस हजार भी मामला क्या हो जाता है मशकूक भाई गवाहों के बयान में तजाद है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावा किया था कि मर के मिट्टी हो के इंसान ख़त्म नहीं होता और ये सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, नहीं। बल्कि जितने पैगंबर आपसे पहले गुजरे हैं जितनी आसमानी किताबें सब में यही है आज भी मौजूद है कि एक दिन आएगा सब ने अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब व किताब देना है तो जैसे जब भी कोई दावा करता है उसकी तफसीलात उसी के ज़िम्मे होती हैं तो मशरकिन फौरन नबी वसल्लम से ये सवाल पूछते थे मता कब कब है तारीख बताएं डेट बताएँ तो बताया गया कि इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है सवाल ये पैदा होता है ये तो फिर दुनिया का उसूल ये कभी दावा जब आप मुबहम करते हैं तो काबिल कबूल नहीं होता जी। तो उसका जवाब ये दिया गया जैसे सूर्य ताहा में है अकाद उकूजुल्लू अल्लाह ने मूसला से फरमाया किमत आएगी लेकिन उसका इल्म मैं छुपा दूंगा और उस छुपाने मेंसलहत है, है कि हर नफ्स को उसके किए की का सजा मिले रहा यह मसला कि दावे की जब तक तफसील मालूम ना हो दावा कबूल नहीं किया जाता तो अल्लाह फरमाते ये कायदा कुल्लिया का नहीं है अक्सर ही कुलिया नहीं है बहुत सारी चीजें देखो तुम्हें तो मालूम नहीं है कि वो कब होंगी लेकिन वो होती है कि नहीं होती है? होती हैं आपको पता नहीं होता बारिश कब होगी लेकिन होती है अब कोई शख्स कहे लेकिन इस पर ये इशकाल होता है ना तो अल्लाह तुबारा को ताला फरमा रहे हैं कि इसका इलम हमें ही है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी लेकिन मेहकमी मौसम वो मैं वो मैं उस जवाब की तरफ आता हूँ लेकिन पहले मैं इस आयत को असल में डिफाइन कर ठीक ठीक है है अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हें तुम तो बहुत सारी चीजों में तुम्हारे पास हेल्प नहीं है लेकिन उसको तुम मानते हो कि नहीं मानते हमें अब मैं कहता हूं भाई अनवर गाजी साहब एक दिन आपने मरना है जी अनवर आप कहते हैं कि ये दावा जो आप कर रहे हैं मैंने मरना है मैं उस दावे को उस वक्त तक नहीं मानूंगा जब तक आप पूरी डिटेल बयान ना करें कहा मरना कैसे है कहा मरना है मैं कहूं भाई ये तो मुझे अपना नहीं पता आपका कहां से पता होगा ठीक है ना जी तो असल में बताया ये गया है ये बहुत अहम चीज़ है ये आज हमारे बहुत सारे जो बातिल फिरके हैं ना हमारे यहाँ जो राइज हैं वो भी आपसे अपने मतलब की दलील मांग रहे होते हैं देखें उसूल ये है कि जो शख्स दावा करता है उसके जिम्मे दलील है दलील कहते हैं कि जिसके होने से किसी दूसरी शय का तस्वर दिमाग में आए जैसे मुझे सूरज नज़र नहीं आ रहा जी टाइम देख के मैं बता दूंगा इस वक्त सूरज निकला हुआ है नज़र आना जरूरी नहीं है मुझे मैं रोशनी देख के बता दूंगा सूरज मौजूद है जी अब आप कहें कि मुफ्ती साहब सूरज मौजूद अभी निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ मैं कहता हूँ जी निकला हुआ है आप कहते हैं कि दलील क्या है मैं कहता हूं यार ये खिड़की से झाक के देखो धूप नजर आ रही है जी आप कहें नहीं मुझे सूरज दिखाओ तो मैं क्या कहूंगा भाई मेरे जिम्मे दावे की दलील पेश करना है और धूप का होना ये दलील है पूरी दुनिया की नजर में इस बात की दलील है कि सूरज जी अब जो आप बार बार कह रहे हैं सूरज दिखाओ तो ये आप अपनी मतलब की दलील मांग रहे हैं सही तो खसम जो है ना जो हुँ। मुखालिफ हुँ। वो अपने मतलब की दलील मांगे ये मुद्दई के जिम्मे नहीं होता सही मैं इसको और आसान मिसाल आसान के लिए आसान बहुत आसान मिसाल समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल जी वसीम भाई ने आपसे एक लाख रुपए चोरी कर लिया ठीक है अल्लाह ना करे कोई वसीम भाई सुन रहे हो तो पेश नहीं

तो अदालत कहेगी भाई मुद्दई के जिम्मे दलील पेश करना है गवाह पेश करना है वो कर दिए आपके मतलब के गवाह या आपके मतलब की दलील पेश करना ये मुद्दई के जिम्मे नहीं है मुद्दई के जिम्मे मुतलक दलील है मुतलक दलील में बाजा वीडियो भी दिखाई जा सकती है सही गवाह नहीं भी होते ये भी दिखाई जाती है देखे भाई ये वीडियो देखे हमारे खुफिया कैमरे लगे हुए थे ये ये कैसे लॉकर तोड़ के ये जो है ना लेके जा रहे हैं ठीक तो अल्लाह ने भी यहाँ यही बताया है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी तफसील का तुम्हें इल्म नहीं है तुम्हारा इल्म नाकिस है तो उस नाकिस इल्म की वजह से उस असल शय के वजूद ही का इनकार कर देना ये, ये सही नहीं है ये सब इन पांच चीज़ों को खास क्यों मैं बता रहा ना पहले मैं ये आयत को तो डिफाइन कर दूं। इसका बेसिक मकसद क्या है तो इंसान की कस्म पुरुषी बयान की गई है इंसान को बताया गया कि तुम्हारे तुम तो और बहुत सारी चीजों को जानते ही नहीं हो तो यह कह देना कि हमें नहीं पता कि कब ये काम होगा इसकी बेस पे असल काम ही का इनकार कर देना ये हट धर्मी है, है ये जिद है बाज दफा मसलहत होती है जैसे हमें नहीं बताया गया कि हम कब मरेंगे इसमें मसलहत है हुँ। हुँ। अगर हमें पता चल जाए ना कि हमने कब मरना है तो या तो खौफ से पहले ही मर जाए ठीक <laughs> है ना या जो है ना हमें उम्मीद हो जाएगी मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ है कि जी सौ साल बाद मरना है तो इंसान शरारतों पर आ जाएगा वो कहेगा यार निन्यानवे साल के जब हो जाएंगे तो तोबा कर लेंगे अभी क्या जरूरत है तो बहुत सारी चीजों का छुपा जाता है, उसमें मसलहत होती है तो उस मसलहत की बेस पर अगर कोई एक तफसील बताने से इनकार कर दे तो उस इनकार को यह नहीं समझा जाएगा कि आम दावों में जब इनकार किया जाता है तो वो तफसील बेचारे को मालूम ही नहीं होती दावा ही गलत होता है इसलिए इंकार किया जाता है तो यहां इसलिए नहीं इनकार किया जा रहा कि दावा गलत है बल्कि इसलिए इंकार किया जा रहा है कि अल्लाह ने किसी मसलहत से उस दावे की तफसील को अल्लाह ही ने छुपा दिया है लेकिन उस दावे के बरहक होने के दूसरे इतने दलाइल कायम कर दिए हैं कि इस बेस पर उस दावे का इनकार करना अब दुरुस्त नहीं है ठीक है।, है तो अब आया था इन हाँ। पांच मत अब इस ये एक बड़ा सवाल किया जाता है कि कुरान में तो अल्लाह ने कहा कि जो है ना वह यूनजरुल गई सल्ला ही को बारिश का इल्म है और माँ के पेट में लड़का है लड़की इल्म तो अल्लाह ही को है और कहाँ मरोगे ये इल्म अल्लाह ही को है जबकि हम देखते हैं बारिश का महकमा मौसमियात वाले बता देते हैं जी वो अलग बात है कि जिस दिन बताते हैं उस दिन नहीं ठीक है।, <laughs> है ना लेकिन बहुत से कुछ ना कुछ बता देते हैं बहुत मुल्कों में बिल्कुल सही सही, सही बता रहे होते हैं और अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। और कल क्या खाना है इसकी इंसान पहले से नहीं। <laughs> कल क्या, नहीं। क्या कमाना है माँ तक सिबू तो क्या करेगा इंसान हाँ, क्या करेगा तो ये एक अहम पॉइंट की बात खूब अच्छी तरह समझ ले देखिए जो कुरान के उसलूब को जानता है ना उसको इस आयत पर कोई इश्काल होता ही नहीं है कुरान के उसलूब को समझें कुरान हमेशा जुजियात के जमन में कुल्लियात बयान करता है ये जरा गाड़ी उर्दू है मैं इसको आसानी जी, जी, के लिए दरस कुरान चूंकि तो है। है मैं इस्तला में तो बयान कर दू ना फिर जी, जी, जी। कुरान मिसालों से जो बात समझाता है वो मिसाल मकसद नहीं होती उन मिसालों से असल में समझा रहा होता है एक कायदा और उसूल मसलन कुरान ने कहा वाला तकुल्लुमा माँ बाप को उफ भी मत करो कहा ना कुरानी असल में ये एक मिसाल है असल में जो कुरान कायदा बयान करना चाह रहा है कि वालदेन को तकलीफ मत दो तकलीफ देना ना जायज ये है ठीक है तकलीफ का एक जुजिया है उफ कहना कायदा ये नहीं है कि उफ ना करो कायदा यह तकलीफ, तकलीफ ना दो ठीक है अब उस कायदे को बयान करने के लिए कुरान ने मिसाल किसकी दी है उफ की अब अगर कोई पागल उठ के गए कि जी उफ कहना माँ बाप को नाजायज है बाकी जो है ना वो तकलीफ दे सकते हैं आप मार सकते हैं तो जाहिर है गलत होगा यहां तक फुकह ने बयान ये किया है कि अगर किसी कौम में उफ का लफ्ज बुरा ही नहीं समझा जाता या किसी कौम में उफ उनकी डिक्शनरी में कोई अच्छा लफ्ज है मोहब्बत का लफ्ज है फॉर एक मिसाल दे रहा हूं है तो नहीं लेकिन अगर कोई जबान ऐसी आती है कि उफ मोहब्बत में किसी को जब जो है ना मोहब्बत का इजहार करना होता है तो उफ कहा जाता है तो ऐसे कल्चर में तो वालदे को उफ कहना सवाब होगा तो यहां उफ मकसद नहीं है अरब में चूंकि उफ कहना यह तकलीफ का जरिया था हुँ. तो कुरान ने एक जुजिया बयान किया एक मिसाल बयान करके कायदा बयान किया असल में कि वालदेन को तकलीफ ना पहुंचाओ सवाल पैदा होता है कि कुरान डायरेक्ट कायदा ही बयान कर देगा कर देता कि तकलीफ ना पहुंचाओ हुँ. तो जुजिया इसलिए कुरान ने बयान किया कि उफ में तकलीफ बहुत कम होती है तो ये बयान कर दिया कि जब उफ कहने से जो तकलीफ है वो हराम है तो इससे ऊपर दर्जे की तकलीफ है खुद सोच लो के बतरीक़े औला नाजायज होंगी ठीक है तो याद रखें यहाँ भी चार पांच, पांच चीजें जो बयान है। की गई हैं उनसे मकसद ये पांच चीजें नहीं है उनसे मकसद एक कायदा बयान करना है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है ये पांच मिसालें हैं मिसालें हैं क्यों बयान कर गैब कहते हैं असबाब से हटकर किसी चीज पर मुतले हो जाना यानी आपके पास कोई साइंटिफिक कोई लॉजिक बनती नहीं है और आपको पता चल जाए कि होने वाला क्या है तो ये तो जाहिर है इंसान के बस में नहीं है तो अल्लाह ताला ने चूंकि ये पांच मिसालें ऐसी थी जो अरबों की समझ में आसान से आसानी से आ जाती क्योंकि अरब के पास उस वक्त कोई जरिया नहीं था कि वो पहचान लेते कि बारिश कल होगी कि नहीं होगी माँ के पेट में क्या है ये इन चीजों के पहचानने के आला दरिया नहीं हुए थे तो कुरान ने वो मिसालें दी हैं जो अरबों को सबसे ज्यादा आसमान जमीन चार मिसालें हैं इसलिए दिए कि अरब के बद्दू को ये चार चीजों के अलावा कुछ नजर आता ही नहीं था ज्यादातर वही चार चीजें देख रहा होता था अब हालांकि ऊंट से भी ज्यादा अजीब अजीब चीजें दुनिया में पहाड़ों से भी ज्यादा अजीब अजीब चीजें आज तो आज अगर कुरान नाजिल होता तो सेल की मिसाल दी जा रही होती सही लेकिन कुरान तो चौदह यानी क्यामत तक के लिए आए ना हर कौम समझे ऊंट की मिसाल आज भी समझ में आ रही थी कल भी समझ में आ रही थी मोबाइल की मिसाल आज तो समझ में आएगी या जो

कोई सबब दरियाफ्त ही नहीं हुआ अभी तक इन पर मुतले होने का तो इसी वजह से पता नहीं चलता कि सबब दरियाफ्त नहीं हुआ है और जिन चीजों का सबब दरिया ना हो तुम्हें नहीं पता होता तो ऐसे ही क्यामत भी एक ऐसी चीज है जिसका कोई हमारे पास कोई अलामत यकीनी अलामत नहीं है जिनसे पता चल जाए कि कल क्यामत आ रही है कि परसों क्यामत आ रही है कुछ हादिस में अलामतें तो आई हैं लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि वो जैसा ही होंगी तो अगले दिन क्यामत हो जाएगी तो अब अगर कोई अल्ट्रासाउंड के जरिए झांक लेता है कि माँ के पेट में क्या है तो ये इस आयत के मुनाफी नहीं है क्योंकि वो तो आपने एक सबक के जरिए देख लिया ना इसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि अरबों को ये कहा जा रहा है कि किसी को पता नहीं है माँ के पेट में क्या है जी। है। कोई अरबी कहता कि मैं अभी माँ का पेट चाक करके देखता हूँ फौरन पता चल जाएगा क्या है तो उस वक्त भी कर सकते थे ना कर सकते थे लेकिन वो ये जानते थे कि शायद का ये मतलब नहीं है इसलिए जब पेट चाक कर लिया वो तो फिर फिर तो तो। तो हर आदमी को नजर हो गया फिर हाँ। तो जैसे पेट को चाक करके पता चल जाता है कि नर है या मादा है लड़का है या लड़की है तो भी इसी तरह अल्ट्रासाउंड भी एक किस्म मुशाह मुशाहिदा है तो मुशाहिदा करके पता चल इसकी मिसाल ऐसे कि कुरान ने कहा कि भाई किसी को नहीं पता कि कल वो मरेगा कहा हालांकि उस दौर में भी जिसको फांसी का फैसला हो चुका हो कितने बजे उड़ाई जाएगी तो ने भी इतराज नहीं कि हमें तो पता होता है इसलिए आयत का मतलब समझते थे इस आयत का मफूम क्या हुआ और लॉजिक के बगैर आप किसी चीज पर मुतले नहीं हो सकते ये सिर्फ अल्लाह ही का काम है हाँ वो इस्बाब और वसायल अख्तियार करके बादलों को देख के कितने किलोमीटर फीस घंटा की रफ्तार से कराची की तरफ जा रही है तो देख लिया ना तो देखना इल्म के ये जो है आपने इसका पैगाम क्या मिलता है खुलासा क्या बनता है अवाम क्या करें इसका जो खुलासा निकलता है ना वो ये कि भाई गैब का सिवा किसी को नहीं है तो चंद असबाक हमें यह मिलते हैं इससे नंबर एक ही जूमियों का दरवाजा बंद कर दिए साहित्य ने ये जो हो रहा है ये ये जो सिता, ये जो सितारों हाथ की लकीरें क्या बता रही है मैंने ये बता रही है कि आप मुठ्ठी कैसे बंद करते हो जो जिस हिसाब से मुठ्ठी बंद करता है उसकी लकीरें उसी हिसाब से इसका और कोई कोई मुस्तबिल से ताल्लुक नहीं और दूसरी बात यह कि हम अल्लाह के मोहताज है क्योंकि जिसके पास हकीकी इल्म है तो फिर अपनी लॉ उसी से लगानी चाहिए उसे पता है कि कल क्या होगा लोग कहते हैं ना कि हम एक साहब ने मुझे कहा मैंने रातों को तहज में उठ के दुआएं मांगी हैं कदर की रातों में रोया हूं कि मुझे फला जगह मेरी शादी हो जाए और नहीं हुई तो ये क्या है मैंने कहा भाई गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है एन मुमकिन है कि आपका वहां निका होता और आप चौड़े में आ जाते अगली कदर में जान छुड़ाने की दुआएं मांग रहे होते तो हमें इसमें तसल्ली भी मिलती है भाई जो हमारे साथ हो रहा है बेहतर हो रहा है हम ये समझते हैं कि ठीक नहीं हो रहा लेकिन हमें अल्लाह ने बताया कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है तो जो हो रहा है ना वही ठीक हो रहा है आप एक चीज़ चाहते थे मिल जाए नहीं मिली तो समझ लो कि मिलने में फ़ायदा नहीं था बल्कि नुकसान था और एक चीज़ चाहते थे कि नहीं मिले मिल गई तो समझ लें कि उसके मिलने में आपके लिए क्या था फायदा था क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में जो कुछ सोच रहे हो उस इलम में गलती हो सकती है अल्लाह के में गलती नहीं, नहीं हो सकती, हो सकती तो मुसलमान के लिए बहुत बेहतरीन तसल्ली है इसमें हुँ हुँ। हुँ। बहुत शुक्रिया नाजरीन आपने देखा मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इसकी आम फहम अंदाज़ में तशरी बयान कर दी अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तोहफ़ी अतः फ़रमाए आखरदावाना अलहमद लाबीआलम